नौकरी पाने के लिए जाते थे। डिग्री नहीं होगी तो नौकरी नहीं होगी, नौकरी नहीं होगी तो कोई बाप अपनी बेटी नहीं देगा, बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं देगी, दुनिया रिस्पेक्ट। सो हेलो एवरीवन, दिस साइड ओम। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 मूवीज जो एक स्टूडेंट को जरूर देखनी चाहिए उसकी लाइफ में। राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। तो ये मूवीज भी हैं और सीरीज भी हैं, वेब सीरीज भी इंक्लूड है इसमें और मूवीज भी हैं, तो जो एक स्टूडेंट को जरूर देखनी चाहिए। और ये मैंने रिसर्च करके बनाई है, ये टॉप 5 मूवियाँ मैंने रिसर्च करके डाली है, एक एक करके IMDB के हिसाब से और कमेंट्स के हिसाब से। सो एक एक करके डिस्कस करते हैं सारी मूवियाँ, कौन सी मूवियाँ एक स्टूडेंट को जरूर देखनी चाहिए उसके स्कूल लाइफ या कॉलेज लाइफ में। देखिए सबसे पहले जो मूवी है वो 3 Idiots। साला कॉलेज डिग्री के लिए नहीं, सिर्फ पढ़ने के लिए आया था। रंचो, रणछोड़दास, श्यामलदास, चांचर। ये मूवी मेरे को लगता है 90% लोगों ने ऑलरेडी देख ली है। अगर नहीं देखी आपने, अगर आपने अभी तक मिस कर दिया तो ज़रूर देखिए। इसमें बता रखा है कि कॉलेज में रटना जरूरी नहीं है, पढ़ना समझना जरूरी है। तो 3 Idiots मूवी जरूर देखिए अगर नहीं देखी है आपने अभी तक तो। अब नंबर 2। अब जो नंबर 2 है वो एक मूवी नहीं है, वो एक वेब सीरीज है, सीरीज़ है वो एक, उसका नाम है कोटा फैक्ट्री। देखिए ये पूरी वेब सीरीज इस पर रिलेटेड है कि कैसे एक बच्चा कोटा में जाके पढ़ता है और कितनी स्ट्रगल करता है। ये वाली जो वेब सीरीज़ है इसमें साइंस वाले बच्चे ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं, बट फिर भी मेरे हिसाब से सबको देखनी चाहिए, वेब सीरीज़ बहुत अच्छी है। कोटा, शिक्षा के क्षेत्र में देश विदेश में ये शहर अपनी पहचान कायम कर चुका है। All the credit for my success goes to Maheshwari classes. इसके 2 सीजन है, एक सीजन फ्री में YouTube पे मिल जाएगा आपको TBF के चैनल पे, दूसरा सीजन है वो Netflix पे है। तो आप पहले, मेरे को दूसरा सीजन उतना अच्छा नहीं लगा कंपैरिजन टू फर्स्ट सीजन, आपको फर्स्ट सीजन जरूर देखना चाहिए, फर्स्ट सीजन तो देखना ही देखना चाहिए। मूवी नंबर, अब जो थर्ड है वो मूवी है, वो मूवी है, मूवी का नाम है सुपर 30। ये जो थर्ड नंबर की मूवी है, बहुत थर्ड नंबर की जो मूवी है सुपर 30, ये एक बायोपिक मूवी है। मतलब ऑलरेडी एक किसी टीचर पे बनाई हुई है कि कैसे उस टीचर ने 30 बच्चों को पढ़ाया और 30 बच्चों को IIT क्लियर करवाया। पटना के एक टीचर की पूरी बायोपिक स्टोरी बनी हुई है। ऋतिक सर ने इसमें मेन लीड में हीरो हैं और 30 बच्चे हैं जिनको कैसे कैसे करके वो पढ़ाते हैं, सब कुछ दिखा रखा है। बहुत अच्छी मूवी है, ये भी है वैसे IIT के ऊपर, बट इसमें बिल्कुल भी साइंस का कुछ भी नहीं है। आप कोई सी भी स्ट्रीम से हो, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, 10th, 9th, कोई सी भी क्लास में आप ये मूवी ज़रूर देख सकते हैं। अब जो 4th नंबर की मूवी है उस मूवी का नाम है हिचकी। तुम टीचर क्यों बनना चाहती हो? आपकी आवाज़ें सुन के बच्चे क्लास में हंसते ही रहे। इस मूवी में ना, अगर आप इस पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, आप गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये मूवी आपके लिए ही है। या आप टीचर हैं तो भी ये मूवी देख सकते हैं। और इस मूवी में बताया गया कि कैसे एक टीचर जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं उनको अच्छे राह पे ले गए और मतलब बहुत अच्छा पढ़ाया उन्होंने। तो ये मूवी तो मैं हाईली रिकमेंडेड करूँगा कि सबको देखनी चाहिए। आप कोई से भी स्टूडेंट हो, मतलब टीचर हो, कुछ भी हो, आपको हिचकी मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। बहुत इंस्पिरेशनल मूवी है और आप इस मूवी को देखेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे। तो नंबर 4th की जो मूवी है वो हिचकी है। अब जो 5वें नंबर पर जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है द सोशल नेटवर्क। ये एक मूवी है, हॉलीवुड की मूवी है द सोशल नेटवर्क। ये एक पूरी बायोपिक मूवी है और इस बायोपिक बनी है फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग पे। जो फेसबुक के जो मालिक है उन्होंने फेसबुक कैसे बनाया, पूरी जर्नी इस मूवी में दिखा रखी है, स्ट्रगल्स दिखा रखे हैं उनके, उन्होंने इतनी मेहनत कैसे की। तो द सोशल नेटवर्क मूवी का नाम है, हॉलीवुड की मूवी है, हिंदी में डब्ड है पूरी, आपको ईजिली कहीं से भी मिल जाएगी। तो द सोशल नेटवर्क ये स्टूडेंट्स को ज़रूर देखनी चाहिए, अगर वो कॉलेज लाइफ में, स्कूल में तो भी देख सकते हैं, बट द सोशल नेटवर्क मूवी फेसबुक के ऑनर मार्क जुकरबर्ग पे पूरी रियल स्टोरी बेस्ड है, तो ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए उन्हें। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कर दीजिएगा, और कौन सी मूवी आपने देख रखी है वो भी कमेंट कर दीजिएगा, और कौन सी मूवी आप देखेंगे वो भी कमेंट कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा अच्छी लगी तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है वो भी दबा दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।